हेलो बच्चों, आज मैं आपको बता रही हूँ गूगल क्लासरूम में अपने स्टूडेंट आईडी से कैसे लॉगिन करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको इस तरीके की एक ऐप इंस्टॉल करनी है, गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम को इंस्टॉल करने के बाद आप उस पर क्लिक करेंगे। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये इंस्टॉल्ड है, इसमें दूसरे बच्चे की आईडी लॉगिन है, इसलिए ये पहले से दिखा रहा है। नहीं तो आप इस यहाँ पे देखिए, ये जो ये इस बच्चे का फ़ोटो दिख रहा है, यहाँ पे आप इस सर्कल पे क्लिक करेंगे। जब इस पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछते हैं ऐड अनदर अकाउंट, तो हम ऐड अनदर अकाउंट करेंगे। ऐड अनदर अकाउंट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जो आईडी आपको डालनी है वो आप इसमें लॉगिन करेंगे। ये हमने इसमें ईमेल आईडी एंटर कर दिया। अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने पे वो हमसे पासवर्ड मांगेगा। अभी हम यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। पासवर्ड एंटर किया और हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने पे हमारे पास ये पॉलिसी आती है और हम इसे एग्री कर देंगे। ये देखिए, एग्री करते ही अब वो हमारा हमने लॉगिन कर लिया है। अब हमें क्लास ज्वाइन करनी है, तो क्लास ज्वाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्लासरूम ज्वाइन करने के लिए इस प्लस पे हमें क्लिक करना है। तो हमसे क्लास कोड पूछता है, अब हम इसमें क्लास कोड ऐड करेंगे। हमने क्लास कोड एंटर किया। क्लास कोड एंटर करने के बाद हम इस ज्वाइन को क्लिक करेंगे। और ये देखिए, ये क्लासरूम ज्वाइन हो गया, इस ईवीएस का क्लासरूम इसने बच्चे ने ज्वाइन कर लिया है। अब हमें, अब देखो नया स्टूडेंट है तो पीछे का काम कैसे चेक करेगा, पीछे का काम इस क्लास वर्क में जाएगा और इसमें जो जो काम टीचर ने पहले पोस्ट कर रखे हैं वो सारे काम इसमें नज़र आएंगे। और जो भी काम असाइनमेंट में होता है, जो भी काम आपको असाइनमेंट, ये ऐसे इस बोर्ड के जैसे जहाँ पे भी जो काम दिखाई देता है, इसका मतलब वो काम आपको करके भेजना होता है। और जो इस तरीके से काम है, ये काम का मतलब, जैसे ये वाटर ये दिया हुआ है पोस्टेड 8 जुलाई, ये क्या है, ये इस तरीके का है कि ये आपको सिर्फ एक मटेरियल दिया गया है, आप इसकी हेल्प से अपना काम कीजिए। लेकिन जिस तरीके से हॉलीडेज होमवर्क है और ये बोर्ड बना हुआ है, इसका मतलब ये काम आपको देखना था और देख के करके और फिर वापस गूगल क्लासरूम पर शेयर करना था। आप शेयर कैसे करते हैं, शेयर करने के लिए देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें जैसे इसी पर जाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए योर वर्क आपको नज़र आ रहा है, योर वर्क। और इस पर आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो वो आपके काम को पूछता है ऐड अटैचमेंट। जब आप ऐड अटैचमेंट करते हैं तो आपसे पूछते हैं कि आपको फ़ोटो लेना है, या आपको वीडियो रिकॉर्ड करके भेजनी है, या अपनी ड्राइव से कोई फ़ोटो लेना है, या आपको कोई फाइल अपलोड करनी है, या लिंक शेयर करना है। आपको जो भी करना है, लाइक आप मान लीजिए आप ड्राइव में चले जाएं, ड्राइव से आपको कौन सी पिक्चर्स लेनी है आप वो देखेंगे। इसमें से ये क्लासरूम की ही पिक्चर्स हैं इसमें, तो हम यहाँ से कोई भी फाइल चूज़ करके और उसके बाद उसे हम शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा हैंडेड इन का, ठीक है, हैंडेड इन का ऑप्शन आता है। जैसे मैं आपको अभी बताती हूँ, देखिए आपने जैसे ऐड अटैचमेंट किया, ऐड अटैचमेंट करने के लिए उसने पूछा, अब हम टेक अ फ़ोटो लेते हैं अगर, तो हमने क्या किया, फ़ोटो ले लिया, इस काम का ही जैसे हमने फ़ोटो लिया, इसको हमने ठीक है, ये हमने फ़ोटो क्लिक कर ली और ये हमारे पास बिल्कुल सही आए हैं, तो हम इसको ओके कर लेंगे। अदरवाइज़ आप रीट्राई करके दोबारा फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। ओके करने पे ये देखिए, ये यहाँ अटैच हो जाएगी। अब गूगल क्लासरूम थोड़ी सी बड़ी ऐप है, इसलिए इसको अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है। ये देखिए, ये अटैच हो गया, यहाँ पे ये फ़ोटो अटैच हो गई। अब आप करेंगे हैंड इन, हैंड इन ऑप्शन मांगता है, आपको हैंड इन ही करना है ये, और आपका काम जो है वो टीचर के पास सबमिट हो गया, ठीक है। तो आपको इस तरीके से गूगल क्लासरूम में अपना काम भेजना है।
और इसी तरीके से आपको नई आईडी से लॉगिन करना है। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रही होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।